कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने आपको सेरेनिटी शील्ड शेयर्स टोकन के बारे में आपको बताया था, जो कि एक डाटा स्टोरेज का प्रोजेक्ट है और आज के टाइम में डाटा स्टोरेज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इस प्रोजेक्ट को आप यहां पर देखोगे, इसकी वेबसाइट को ओपन करोगे तो सिक्योर योर डिजिटल फ्यूचर, इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी पिछली वीडियो में बता रखा है ये प्रोजेक्ट क्या है और इसकी पार्टनरशिप वगैरह सब कुछ मैंने वहां पर बताया था। मैं थोड़ा सा भी यहां पर इसके बारे में आपको बता देता हूं कि बेसिकली ये एक डाटा स्टोरेज प्रोजेक्ट है और इसके अभी स्ट्रांग बॉक्स बहुत जल्द इसके आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ पर आप अपने डाटा को स्टोर कर सकते हो, जो कि बिल्कुल सिक्योर है और डाटा सिक्योरिटी आज के टाइम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पिछले वीडियो को आपने नहीं देखा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, आप उसको वॉच आउट करना। आज हम बात करेंगे कि आप इस प्रोजेक्ट को किस एरिया में बाय कर सकते हो। जो प्रीवियस हमने बाइंग आपको दिया था वो लगभग 0.11 डॉलर पे मैंने आपको दिया था, वीडियो को चेकआउट करना। और वहाँ से अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 0.24 का इसने हाई यहाँ पर बना दिया है, मतलब 2x तक का यहाँ पर पंपिंग हो चुका है। मतलब अगर आपने उस वीडियो को देखकर वहाँ पे बाय किया होगा तो ऑलमोस्ट 2x तक का प्रॉफिट अभी आपका यहाँ पे हो चुका होगा, ठीक है। अभी हम जब बात करेंगे कि अभी मार्केट में क्या कंडीशन है, क्या ये टोकन सेरेनिटी शील्ड शेयर्स टोकन और ज़्यादा पंप यहाँ पर कर सकती है, इसके बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नीचे टेलीग्राम का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन पे, जहाँ पे मैं फ्यूचर के कॉल जो भी एजुकेशन अपडेट होते हैं वो मैं शेयर करता हूँ। मेक श्योर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लिया। तो इस प्रोजेक्ट को बारे में जानने के लिए सबसे पहले आप इसकी वेबसाइट में आना, यहाँ पर सारे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, उसको आप चेकआउट करना, पिछले वीडियो को वॉच आउट करना। अभी हम बात करें इस प्रोजेक्ट के बारे में तो ये मार्केट में आप यहाँ पर जाओगे तो ऑलमोस्ट सभी बड़े एक्सचेंजेस पे लिस्टेड है। तो अभी इस प्रोजेक्ट में नया क्या है, तो इस मंथ अगस्त में हो सकता है आपको ये बड़े एक्सचेंजेस में लिस्टेड देखने को मिल जाए, जैसे कि कुकॉइन, OKX, बाइनेंस, इस तरह के एक्सचेंज में आपको लिस्टिंग का अपडेट आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अगस्त मंथ में ही स्ट्रॉन्ग बॉक्स 2.0 का यहाँ पर लॉन्चिंग हो सकता है। अब इस लॉन्चिंग में क्या है कि आप अपने डाटा को सिक्योर कर सकते हो, जैसा कि यहाँ पर बताया गया, स्टोर कर सकते हो। साथ में अगस्त महीने में ही कुछ बड़े अनाउंसमेंट होने वाले हैं, कुछ नए पार्टनरशिप होने वाले हैं कुछ बड़े हेल्थ केयर कंपनी के साथ में, जो कि काफ़ी बड़ा न्यूज यहाँ पर हो सकता है। और इसकी अपडेट आपको एक्स में देखने को मिल सकती है, जहाँ पर देख सकते हो स्ट्रॉन्ग बॉक्स 2.0 कमिंग, ये सारा कुछ यहाँ पर बताया जा रहा है, तो सारे अपडेट देखने को मिलेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर क्या है कि ये प्रोजेक्ट अपने फीचर्स को अपडेट कर रही है, नए पार्टनरशिप ला रही है, मतलब डे बाय डे ग्रो करने के लिए नई नई चीज़ें ये हमेशा कर रही है, जिसका अपडेट आपको सारा एक्स में देखने को मिलेगा। अब इस दौर पे जब कोई प्रोजेक्ट लगातार अपने आप को ग्रो करने के लिए कुछ नया करती रहती है तो उसमें पंप होने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होता है। और जैसे ही बिटकॉइन पंप होती है तो बिटकॉइन को लेकर ये कॉइन, ऐसे प्रोजेक्ट भी काफ़ी अच्छा यहाँ पर पंप करती है। अगर आज के टाइम में इसका मार्केट कैप देखोगे तो 1.66 मिलियन डॉलर का मार्केट कैप है, जो कि बहुत ही कम मार्केट कैप है। ऐसे में आप ये समझो कि अगर 1 मिलियन डॉलर का भी इसमें मार्केट आ जाती है, 1 मिलियन डॉलर का भी इन्वेस्टमेंट होता है, तो इसका प्राइस तुरंत स्पाइक कर सकती है। और 2-3 मिलियन डॉलर का अगर आता है तो लगभग 3x-4x तक का ईजिली पंप हमें देखने को मिल सकता है। अब अगर हम बात करें इसके बाइंग के बारे में तो ओवरऑल अभी आप देखोगे तो मार्केट का कंडीशन, यहाँ से मार्केट पंप किया, इसके बाद मार्केट ने डंप की है, इसके बाद अगर आप देखोगे तो इस एरिया में काफ़ी अच्छा सपोर्ट यहाँ पर बना रही है, तो यहाँ से पंप होने की जो पॉसिबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पर लग रही है। क्योंकि ओवरऑल देखोगे तो यहाँ पर शेयर्स टोकन यहाँ पर काफ़ी अच्छा सपोर्ट बना रहा है, जहाँ पर पंप होने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होगी। और बहुत जल्द ये अपने जो इसने हाई बनाया था, ये हाई 0.24 का, इसे यहाँ पर ब्रेकआउट करते हुए एक बड़ा हाई भी यहाँ पर बना सकती है। और नेक्स्ट जो इसका रेसिस्टेंस यहाँ पर होगा, वो रेसिस्टेंस यहाँ पर लगभग इस एरिया के बीच में हो सकती है, 0.47 डॉलर तक में यहाँ पर हो सकता है। अब आपको यहाँ पर किस तरह से बाय कर सकते हो, पर्सनली जो मैं बाइंग करूँगा वो मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले इस एरिया में थोड़ा सा बाइंग यहाँ पर किया जा सकता है। और जो आपका यहाँ पर जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो 0.092 का स्टॉप लॉस के साथ आप इसको यहाँ पे बाय कर सकते हो। क्योंकि अगर यहाँ से पंप होती है तो एक बड़ा पंप हमें देखने को मिल सकता है, ये इवन आप ऐसा समझो ये यहाँ पर हायर हाई के हिसाब से पंप हो सकता है। जैसा कि अभी आप देखोगे जिसने एक यहाँ पर एक हाई बनाया, इसके बाद एक लो बनी है, फिर यहाँ से पंप होते हुए एक नया हाई यहाँ पर बनेगा, फिर एक इसी
एरिया के बीच में एक लो बनेगा और फिर यहाँ से एक बड़ा पंप होते हुए लगभग 0.47 डॉलर का ये जो टारगेट है इसको ये यहाँ पर अचीव कर सकती है। तो ओवरऑल ये टोकन हमें एक अप ट्रेंड में देखने को मिल सकती है और एक हायर हाई के हिसाब से यहाँ पर पंप हो सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक हाई यहाँ पर लगा चुका है, एक लो यहाँ पर बनाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ से पंप होने के बाद एक नया हाई बना सकता है, फिर से एक लो बनेगी और फिर एक नया हाई यहाँ पर बनाया जा सकता है। तो ओवरऑल यहाँ पर 0.47 डॉलर तक का टारगेट आप रख सकते हो, बट जब आप यहाँ पर बाई करोगे तो आप अपनी प्रॉफिट बुकिंग भी जरूर रखना। अगर 2x तक में होता है तो ऑलमोस्ट यहाँ पर प्रॉफिट जरूर बुक करना और यहाँ पे 25% अमाउंट को होल्ड करके रखना, जो कि 0.47 डॉलर तक का टारगेट आप यहाँ पे रख सकते हो। 0.096 का अगर स्टॉप लॉस रखते हो तो लगभग 30% का आपका SL होता है, लेकिन अगर यहाँ से पंप होती है तो 3x से लेकर 4x तक का पंप हो सकता है। तो अपने हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से आप इस टोकन को बाई कर सकते हो। जैसा कि मैं यहाँ पर बाई कर रहा हूँ 0.96 स्टॉप लॉस के साथ 0.47 डॉलर का टारगेट यहाँ पर रखूंगा, बट बीच बीच में मैं यहाँ पर अपनी प्रॉफिट बुकिंग जरूर करूंगा। पिछले टाइम भी ये टोकन काफी अच्छा यहाँ पर पंप हुआ है, लोगों को अच्छी प्रॉफिट दी है, मैं भी इस बार भी अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर दे सकता है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक गुड बाय, जय हिंद।